हे हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है सबको? सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर, ऑडिबल। ओके ओके, गुड। सो गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। योर वॉइस इज वेरी सॉफ्ट, बिट लाउडर, कैन यू स्पीक? हेलो, श्रेता राज, राइट? या हेलो, yeah, it's okay. Yeah, it's okay. It's okay. Thank you. No problem. All right. So let's start our session. Okay. So today's session are very interesting. Actually, we are officially starting the module one. Okay. So अभी तक जो भी हमने बात किया, that is all about the basics, like Palo Alto क्या होता है, फायरवॉल इनफेक्ट क्या होती है, हाउ इट्स वर्क्स, राइट, एंड उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, हम यूज ही क्यों करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट 3 क्लासेस में बात की है, अराउंड मोर देन 3.5 आवर, अराउंड 4 आवर्स के इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी को इसके बारे में एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। सो आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि एक्चुअली फायरवॉल क्या होता है। सो नितेश को मैं म्यूट कर रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा, ठीक है। सो आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मॉड्यूल वन का, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, बट ये स्टार्ट मॉड्यूल यहीं से होगा। पूरी फायरवॉल स्टार्ट इसी मॉड्यूल से होगी और एंड भी आपकी इसी मॉड्यूल से होगी, राइट? तो अगर आज आप लोगों को किसी भी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, तो आप घबराना नहीं, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे और जब एंड करेंगे पूरी सेशन के तब भी हम यहीं से करेंगे, और जितना भी हम डिस्कशन करेंगे, कोई भी मॉड्यूल का जो भी डिस्कशन करेंगे, हम बार बार इस सेक्शन को, खासकर जो फ्लो लॉजिक है, पैकेट फ्लो है, उसको हम बार बार रेफर करेंगे, क्योंकि इसके बिना आपकी एक फायरवॉल की अंडरस्टैंडिंग है, ट्रबल शूटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये जो फ्लो लॉजिक है हमारा, दैट इज जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। आर्किटेक्चर में अगले क्लास में बताऊंगा, अगर आज टाइम मिला तो मैं बताऊंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट फ्लो लॉजिक पर आज पूरा फोकस करेंगे कि एक पैकेट फायरवॉल के अंदर आता है तो उसका क्या लाइफ साइकिल होता है, राइट? तो इस पैकेट का इन करने से लेकर इसको फायरवॉल से बाहर निकलने तक, वो फायरवॉल के अंदर क्या क्या करता है और फायरवॉल उस पैकेट के साथ क्या क्या करती है, ये पूरी स्टोरी हम समझने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, इसमें से नोट माय वर्ड आपसे 100% 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन का इंटरव्यू है तो 2-3 क्वेश्चन तो आपसे इससे पूछे ही जाएंगे पैलो ऑल्टो के, कि आपका स्लो पाथ क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, आपकी पैकेट फ्लो क्या होती है फायरवॉल के, कंटेंट इंस्पेक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन आईडी क्या होता है, इग्रेस इनग्रेस इंटरफेसेस पे जब पैकेट आता है तो कैसे बिहेव करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, सो प्रोबब्ली यू विल फेस चैलेंजेस, राइट? सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट पैकेट फ्लो के। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कोशिश आज, मैं क्योंकि अभी तक बहुत थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, मैं डे जीरो की लैब जो होती है कि फायरवॉल हमारे पास नया फायरवॉल आती है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कि अगर आपको मैं एक नया फायरवॉल दे देता हूं तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दोज फायरवॉल्स, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, राइट? तो वो सारी चीजें भी बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, राइट? कि अगर मेरी फायरवॉल है नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल है, तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन। तो डे जीरो की बात करता हूँ तो पहले तो इस पर केबल कैसे कनेक्ट होगा, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट होगा, उस फायरवॉल के अंदर मेरा जो फायरवॉल होती है वो दिखती कैसी है, राइट? सो ये मेरा पैलो ऑल्टो फायरवॉल है तो ये दिखता कैसा है, राइट? इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक मैं छोटा सा फायरवॉल खोलता हूँ, PA220, तो देखो इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो हर एक पोर्ट्स का फंक्शन समझना पड़ेगा कि ये भी एक कंसोल पोर्ट है,
एवी एक कंसोल पोर्ट है, एक यूएसबी पोर्ट है आपका, एक आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, राइट। और ये सारे बाकी आपके पोर्ट्स हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये जो आपका कुछ एलईडी लगी हुई है, इसके अंदर एच ए लिखा हुआ है, स्टेट्स लिखा हुआ है, अलार्म लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है एंड पावर लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है। तो आपको कौन से पोर्ट पे केबल कनेक्ट करना है फायरवॉल को, आपको डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन में, डे जीरो की जब बात कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलो डे जीरो मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल न्यू फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब बिल्कुल सील्ड पैक फायरवॉल आई और आपको उसको लाइव करना है, तो आपका क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए और कैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, दैट इज डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लैब होगा जो उस लैब का नाम है डे जीरो, राइट। सो ये लैब हमारे पास है और इसमें डे जीरो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इसी से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं कॉन्फ़िगरेशन शायद ना बता पाऊं, बट स्टिल हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो आज हम बात करते हैं पैलो अल्टो पैकेट फ्लो के बारे में। तो मैं एक दूसरी लैब थोड़ा सा खोल लेता हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए और उसका हम कोशिश करते हैं कि, और दूसरी बात की जो हमारे पास फायरवॉल्स हैं जिसपे हम ट्रेनिंग करेंगे, हमारे पास फुल लाइसेंस वाली भी फायरवॉल है और अनलाइसेंस वाली भी फायरवॉल है। तो मैं लाइसेंस वाली फायरवॉल इसलिए यूज करता हूँ आप लोगों की, आपके बहुत सारे फीचर्स हैं जो अनलाइसेंस फायरवॉल पर नहीं दिखाते हैं, तो मैं उस पर लाइसेंस वाली फायरवॉल पर एटलीस्ट आपको पूरी लॉग्स, पूरी फीचर, वो सारी चीज दिखा के डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। तो आप लोगों को जब मैं जो एडवांस लेवल की हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, लॉग्स वेरिफिकेशन होंगे, तो मैं लाइसेंस फायरवॉल पर करके सारा दिखाऊंगा, मेरे पास है और वो सारा लॉग विजिबल होगा सब कुछ, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज हमारे पास है, तो वो थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि वो पैन ओएस 10.0 का वर्जन है, बट स्टिल हम उसी पे बहुत सारी चीजें करेंगे और इनिशियल जो होगा हम 9.0 पे करेंगे, राइट। तो दोनों फायरवॉल पे आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। तो अभी एक जैसे लैब है, जस्ट आप लोगों को पता नहीं है कि स्लैब में क्या है, क्यों कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों ऐसा दिख रहा है आपको, इसी का हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ये पीसी है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पीसी इस फायरवॉल के थ्रू कहीं बाहर जाना चाहता है, इंटरनेट से बात करने की कोशिश करता है, राइट। सो जब ये इंटरनेट से बात करने की कोशिश करेगा तो जैसे ही पैकेट इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे इन होगा और यहां से आउट होने की कोशिश करेगा, राइट। तो इतने के बीच, इन और आउट के बीच में जो फायरवॉल के अंदर ये पैकेट टाइम बिताएगा उस पे फायरवॉल क्या करेगी, राइट, यही हमें समझना है। सो बेसिकली क्या है कि फायरवॉल पे हमारा किस तरीके का प्रोसेसिंग होता है किसी भी पैकेट को लेकर, दैट इज अ पैकेट फ्लो। तो अगेन सेम सिनेरियो मेरे पास है कि जैसे एक मेरी फायरवॉल हो गई, इस फायरवॉल पे मैंने यहाँ नाम लिख दिया और इस फायरवॉल के पीछे एक मान के चलो कि एक क्लाइंट कनेक्टेड है, ये मान के चलो आपका पीसी है, पीसी ए कनेक्टेड है और इसके पीछे कोई एक पीसी बी कनेक्टेड है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये राम हो सकते हैं और श्याम हो सकते हैं, राइट। तो आपका कोई भी हो सकता है राम एंड श्याम जो दोनों को बात करनी है, पीसी एंड बी। अब यहां से एक पैकेट आता है जो यहां से चलता है, यहां से चलता है, एक ही पैकेट है, चलते रहता है और फाइनली ये फायरवॉल पे पहुंचता है। अब ये फायरवॉल पे जैसे ही पैकेट रिसीव होता है, राइट, फायरवॉल के अंदर जैसे ही पैकेट रिसीव होता है और ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, उससे पहले फायरवॉल क्या क्या करती है आउट होने से पहले, मतलब यहाँ पे पैकेट आपका इन हुआ और यहाँ पे आपका आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पीसी आपका 1.1.1 हो गया, ये मानते हैं 2.2.2 हो गया, ये दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी हो गए और इनके बीच में कम्युनिकेशन होना है, इसके बीच में फायरवॉल बेसिकली करेगा क्या, तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो चीजें होती है, पहला जहां भी पैकेट हमारा इन होता है उसको हम इनपुट बोलते हैं, आप लोग को ये पता होगा, जहां से मेरा पैकेट आउट होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो पहला हमारा इनपुट हो गया, इनपुट का जो अपोजिट हो गया हमारा आउटपुट हो गया, क्लियर। इसी को हम इन भी बोलते हैं, इसी को हम आउट भी बोलते हैं, राइट। इसी का एक दूसरा नाम है, जहां पे पैकेट आपका इन होता है उसको हम बोलते हैं इनग्रेस और जहां से पैकेट हमारा आउट होता है वहां से बोलते हैं इग्रेस। सो मैं इनग्रेस बोल रहा हूं तो मतलब समझना कि वो इंटरफेस जहां से पैकेट मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं इग्रेस बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि जहां पे मैं पैकेट बाहर भेज रहा हूं, राइट। सो इनग्रेस का मतलब रिसीव करना होता है,
इग्रेस का मतलब उसको बाहर भेजना होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंग्रेस लिखा हुआ है, जहां से मेरा पैकेट रिसीव हुआ जो सबसे टॉप पे है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको पैकेट ट्रांसमिट हुआ जिसको हम इग्रेस बोलते हैं, फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं, राइट। तो रिसीव, ट्रांसमिट, इग्रेस, इनग्रेस, इनपुट, आउटपुट, सारी चीजें एक ही हैं। तब वो कंफ्यूज नहीं होना, बस टर्म थोड़ा अलग अलग यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पैकेट इन हो रहा है एंड आउट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। हेलो, हेलो, हाँ जी बताइए सर। बाहर से जब ये रिटर्न ट्रैफिक आएगा, मतलब मैं फायरवॉल से बाहर भेज रहा हूँ, वो रिटर्न जब भी पैकेट आता है तो वो पोर्ट को क्या बोलेंगे, वो टाइम पे वो इंग्रेस रहेगा ना, जो आउट इंग्रेस रहेगा वो पोर्ट। ये आपका टोटली डिपेंड करता है कि पैकेट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन, दूसरा होता है सर्वर टू क्लाइंट कनेक्शन। तो मान के चलो कि ये आपका क्लाइंट है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पीसी आपका क्या है, क्लाइंट है, और ये आपका दूसरा पीसी, या मान के चलो कि ये सर्वर है, ठीक है। तो यहां से जब आप पैकेट इधर भेजते हो इस डायरेक्शन में, तो ये आपका इनग्रेस होगा और ये आपका ईग्रेस होगा, क्लियर। लेकिन अगर सर्वर इधर की तरफ भेजता है, राइट, तो यही आपका इनग्रेस बन जाएगा और यही आपका ईग्रेस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको डिपेंड करता है कि फ्लो कहाँ से, ट्रैफिक कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। जहां से ट्रैफिक आपको ओरिजिनेट हो गया, उससे आपका डायरेक्शन का और इनग्रेस और ईग्रेस पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे गुड क्वेश्चन था, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा अपना ये चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है, कि हमेशा ऐसा नहीं कि जो, हाँ जी पंकज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए सर। फायरवेल का पोजीशन बोले तो, जो हमारा इंटरनल फायरवेल और एक्सटर्नल फायरवेल, तो अभी मान लीजिए हम इसको इंटरनल फायरवेल में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मतलब पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से का जो इनपुट पोर्ट, मतलब यानी कि इनबाउंड पोर्ट और आउटबाउंड पोर्ट कौन सा वाला होगा दोबारा अपना, इंटरनल फायरवेल, राइट। देखिए, इंटरनल फायरवॉल और एक्सटर्नल फायरवॉल, इसका मतलब जो होता है कि जैसे एक आपका इंटरनल नेटवर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल आपके यहाँ पे लगी हुई है, राइट। लेकिन जब ये फायरवॉल हैंडओवर करेगी अपना ट्रैफिक एक्सटर्नल को, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्ट है ना, जो दूसरा एक्सटर्नल की तरफ कनेक्ट, कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सटर्नल में कनेक्टिविटी तो होगी ना आपकी, मतलब पैकेट यहाँ से आया, इन हुआ, राइट, हुआ। लेकिन ये मान के चलो कि आपका इंटरनल फायरवॉल यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल फायरवॉल है, तो ये आपका जैसे ही इसको पैकेट हैंडओवर देगा, तो इसके लिए तो ये इस फायरवॉल के पॉइंट अभी सोचो, तो ये फायरवॉल तो अपना ट्रैफिक पास कर दिया ना, तो यहाँ से पैकेट इन हुआ और यहाँ से ये जब निकला तो आउट हो गया, तो इसका इग्रेस हुआ और इस एक्सटर्नल का ये फिर से इनग्रेस बन गया, समझ रहे हो बात को आप? ओके ओके, हाँ। तो यहाँ से आउट होगा, लेकिन यहाँ तो इन हो रहा है ना, तो यहाँ पे फिर से इनग्रेस हो गया, लेकिन जब यहाँ से फिर आउट होगा तो फिर से इग्रेस हो जाएगा, मतलब एक ही पैकेट का दो टाइप से प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि फायरवॉल अलग अलग है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इंग्रेस, इंग्रेस का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आ गया कि इंग्रेस और इग्रेस क्या होता है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि इंग्रेस और इग्रेस हमारा, जब ये फायरवॉल का पोर्ट हो गया जहां से हमें फायरवॉल के ट्रैफिक निकलना है, तो अब जब फायरवॉल पे एक पैकेट लैंड हो गया तो फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल उस पैकेट के साथ कैसे ट्रीट करेगी। तो अगेन वही मेरी फायरवॉल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और इस फायरवॉल पे एक पैकेट आ गया जिसको हम बोल रहे हैं इन, और इसको मान के चलो कि आप इसको आउट बोल रहे हो, राइट, या एग्रेस बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो आप। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन करती है, कोई भी फायरवॉल पे जब पैकेट आता है तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप लोग मुझे बताओ, मुझे हेल्प करो फिल करने में। मैंने शायद आप लोग को बताया है, बट फिर भी पूछ रहा हूँ कि एक फायरवॉल जब आती है तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जो आप लोग को याद है मुझे बताओ। सोर्स आईपी, चलो मैं लिख लेता हूँ, सोर्स आईपी हो सकता है, और क्या होगा इसमें, पोर्ट, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, एक चलो कौन सा पोर्ट नंबर, दो तरह के पोर्ट नंबर होते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हाँ, सोर्स आईपी मींस सोर्स पोर्ट। अच्छा चलो मैं एक लिखता हूँ, सोर्स आईपी भी होगा और आपका डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, राइट। मैं दूसरा लिखता हूँ, सोर्स पोर्ट भी होगा उस पे, और एक डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, पोर्ट भी होगा, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन, सर्विसेज,
सर्विसेज, तो वो आपका हो गया ये सर्विसेज सोर्स पोर्ट एक्सटेंशन पोर्ट में जाती है उसको एक एप्लीकेशन बोलते हैं, लेयर 7 के लिए एप्लीकेशन बोलते हैं राइट। तो लेयर 7 के लिए आपका एप्लीकेशन हो गया राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये होता है। फिर इसमें एक दो चीज और, जैसे आपका सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी हो सकता है राइट। हाँ मैक, हाँ तो, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये मान के चलो कि एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये दोनों एक ही हैं पैकेट। यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे सोर्स मैक हो गया एंड डी मैक हो गया राइट, ये सारी चीजें हो गई। और फाइनली फाइनली क्या होता है आपका डेटा होता है इसका पेलोड होता है जिस पैकेट के अंदर, ठीक है वो तो एक्शन हम लेंगे ठीक है उसके बाद में अलग बात है। तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एप्लीकेशन और आपका डेटा पेलोड। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ये आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है लेयर 2 इन्फॉर्मेशन राइट। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है लेयर 3 इन्फॉर्मेशन जिसको आईपी हेडर बोलते हैं। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको कौन सी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं लेयर 4 इन्फॉर्मेशन सोर्स पोस्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है एप्लीकेशन की ये होती है लेयर 7 इन्फॉर्मेशन राइट। ऑल क्लियर। और फाइनली आपका पेलोड होता है जो आपका एक्चुअल डेटा होता है। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर होगा ठीक है। अब हमारी बात आती है कि हमारे पास सोर्स डिस्क इतने सारे इन्फॉर्मेशन उस पैकेट के अंदर है, तो जब ये पैकेट लैंड करेगा इस फायरवॉल के इस इंटरफेस पे तो फायरवॉल क्या करेगा उस पैकेट के साथ। तो बेसिकली फायरवॉल उस पैकेट के साथ ये करेगी कि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालेगी, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ कि इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन जो L2 इन्फॉर्मेशन है, L3 इन्फॉर्मेशन है, L4 इन्फॉर्मेशन है। तो आपका क्या निकालेगा वो मैक निकालेगा, आपके सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी निकालेगा और सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट निकालेगा राइट। बाकी वो एप्लीकेशन और डेटा से उसको कोई लेना देना नहीं है राइट। तो ये इसमें से टोटल इतने सारे फील्ड में से ये L2, L3 एंड L4 तीन इन्फॉर्मेशन को वो एक्सट्रैक्ट करेगा जो अपने पास निकालेगा। अब उसके आगे क्या करेगा, एक तो इन्फॉर्मेशन ही निकाल लिया इतनी सारी, फिर उसके बाद ये जो इंटरफेस है ये जो फायरवॉल पे कनेक्टेड इंटरफेस मेरा है इस इंटरफेस का कोई इंटरफेस आईडी भी होगा, हो सकता है कि ये इथरनेट इंटरफेस हो, कोई गिग इंटरफेस हो। इस इंटरफेस पे एक जोन कॉन्फ़िगरेशन होता है फायरवॉल के अंदर पैलो अल्टो, हर एक जो किसी भी टाइप का इंटरफेस हो, इंटरफेस आपका किसी भी टाइप का हो एक्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूँ HA। अभी HA क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है, चाहे वो आपका फिजिकल इंटरफेस हो या आपका वर्चुअल इंटरफेस हो राइट। अब फिजिकल इंटरफेस में कोई भी इथरनेट का पोर्ट हो सकता है, वर्चुअल में क्या होता है लूप बैक हो सकता है आपका, हो सकता है कि आपका VLAN हो राइट, हो सकता है आपका सब इंटरफेस हो, ये सारे आपका वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं। तो ये इन सारे जितने भी इंटरफेस होते हैं उस पर एक चीज कंफिगर करना पड़ता है, वो होता है जोन। इसीलिए पैलो अल्टो फायरवॉल को हम जोन बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं, जो पैलो अल्टो फायरवॉल होता है उसको हम बोलते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल। तो अभी आप लोग को पता नहीं है क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, तो आप लोग को नहीं आइडिया होगा कि जोन क्या होता है। देखो आगे हमारे पढ़ना है सिक्योरिटी जोन क्या होते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि मॉड्यूल 3 में पढ़ना है, तब तक अभी आप एक दिमाग में रखो कि जो भी इंटरफेस होता है ना उस पर एक जोन भी कन्फिगर हमें करना पड़ता है, बिना जोन के कन्फिगरेशन नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है वो जोन, आप लोग एक दिखाता हूँ फायरवॉल में कैसा दिखता है, थोड़ा सा आप लोग को रिलेट कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे गया और मेरी फायरवॉल ये है, तो मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा जोन बेस्ड फायरवॉल कैसे दिखता है। ये पैन ओएस 10 है जिसके अंदर हम पूरी फीचर एक्सप्लोर करते हैं, इसमें सारे लॉग्स आते हैं मॉनिटरिंग के अंदर सब कुछ, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमारे पास है। तो देख रहे हो सारे लॉग्स आ रहे हैं हमारे पास, थ्रेड पी वगैरह सब कुछ आते हैं, तो हम सब कुछ टेस्टिंग इसमें कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके हम टेस्टिंग ना कर सकें। वाइल्ड फायर से लेके URL फिल्टरिंग से लेके हम डेटा फिल्टरिंग से लेके सब कुछ इस पर टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि हर एक इंटरफेस जो भी इंटरफेस होते हैं, जो ये देखो ये VLAN इंटरफेस होता है, लूपबैक इंटरफेस होता है, टनल इंटरफेस होता है, तो इन सारे इंटरफेसेस पे देखो यहाँ पे जोन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, किसी पे ट्रस्ट है, किसी पे अनट्रस्ट है, किसी पे DMZ है। तो जो भी आप इंटरफेस पे आप IP दोगे बिना जोन का उसको आप नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपको जोन आपको देना ही पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन द जोन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली
जब हम जोन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फायरवॉल पे, तो वो पैलो अल्टो जो पैकेट फ्लो हमारा जब एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करता है कि आपका L2, L3 एंड L4 तो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता ही करता है, साथ में आपका जिस इनग्रेस इंटरफेस से आपका पैकेट इन हुआ, मतलब इस पैकेट से इन हुआ, इस पे क्या जोन कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है, राइट? तो दो चीज़ें किया इसने, एक तो L2, L3 एंड L4 ले लिया, फिर उस जोन से उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी ले लिया उस इंटरफेस से। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है IP फ्रेगमेंट रीअसेंबली, ये भी करता है। तब ये IP फ्रेगमेंट क्या होता है, आप लोगों को पता होता है कि कोई भी पैकेट बाय डिफॉल्ट जो उसकी साइज होती है, किसी इंटरफेस पे जाकर देखते हो आप लोग, जैसे मैं फायरवॉल पे ही जाकर देखता हूँ, तो मैं एक मिनट, क्या इसे लॉग इन होगा, नहीं हो रहा है। मैं सपोज करता हूँ कि टेलनेट करता हूँ 192.168.1.28 और इसका यूजरनेम एडमिन, देखते हैं क्या खुलता है, खुलता है क्या ये, नहीं सर्च करूं 192.168.1.28 ओके एडमिन, तो ठीक है, तो ये मेरी फायरवॉल है। इस पे अगर मैं जाता हूँ, अगर आपको दिखाता हूँ, तो शो सिस्टम, आप इसको इनको चलाते हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखता है कि इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे क्या IP है, क्या डिफॉल्ट गेटवे है, क्या इस पे मैक एड्रेस है, राइट? क्या आपका इस पे मैक का, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जो भी उसकी मैक एड्रेस बाइंडिंग VM का है, वो सारी चीजें। अब सो इंटरफेस ऑल करते हैं, राइट? तो देखो ये सारे इंटरफेस है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट आपके जोन की कन्फिगेशन है, सारी कन्फिगेशन आपको यहाँ दिखा रहा है, आप देख रहे हो कोई इंटरेस्ट है, कोई ट्रस्ट है, इस तरीके से इस पे क्या IP, वो सारी चीजें दिखा रहा है, कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा डाउन है, सारी चीजें भी आपको दिखाया जा रहा है। फिर अगर मैं करता हूँ सो इंटरफेस, किसी इंटरफेस को मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये इंटरफेस मैं ले लेता हूँ, राइट? सो मैं इस इंटरफेस को लेने के बाद मैं इसको करता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि इस पे क्या है, इस पे मैक्सिमम MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 है। मतलब ये इंटरफेस जो है बेसिकली आपका मैक्सिमम जो पैकेट साइज है वो 1500 बाइट का ट्रांसफर कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा आपके पास मतलब पैकेट आ गया जिसकी साइज मतलब जिसकी साइज आपके 9000 बाइट की हो, राइट? सो अब वो इंटरफेस क्या करेगा, तो इंटरफेस इस पैकेट को ना चंक में तोड़ देगा, मीन्स इसको फ्रेगमेंट कर देगा। फ्रेगमेंट का मतलब होता है उसको ब्रेक कर देना, और फिर वो 1500 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा, या उससे छोटा या बड़ा, उससे को प्रोसेस कर देगा। तो मान लेते हैं कि ये फायरवॉल है, फायरवॉल के पीछे हमारा कोई डिवाइस है, राउटर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, उसने क्या किया है कि उस पैकेट को ब्रेक कर दिया, तो पैकेट आपका फ्रेगमेंटेड फॉर्म में फायरवॉल रिसीव किया इस इंटरफेस पे, तो उसकी रीअसेंबली भी करना, फिर उसको फाइनली जब फायरवॉल के अंदर आएगा, इंटरफेस नहीं 9000 बाइट का पैकेट आपका MTU साइज का जो पैकेट है उसको नहीं प्रोसेस कर सकता, लेकिन फायरवॉल कर सकती है, तो उस पैकेट को फिर से रीअसेंबली करना, मतलब एक्चुअल उसकी पोजीशन पे करना, दैट इज आल्सो वर्क ऑफ द फायरवॉल इनग्रेस प्रोसेसिंग। तो आपकी ये सारी चीजें आपकी फायरवॉल के इनग्रेस स्टेज पे होती है, जहां पे L2 L3 L4 और प्लस फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली का काम होना। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट? अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसके आगे जो बात हम करते हैं वो आगे इसकी बात ये है कि जब ये पैकेट यहाँ पे आ गया, इतनी सारी चीजें इसके चेक हो गई, तो अब फायरवॉल क्या करेगा, अब फायरवॉल बेसिकली आपका इसके अगले स्टेज में जाएगा और इस स्टेज में चेक करेगा कि जो पैकेट हमने रिसीव किया, जो इसकी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो इसका जोन हमने निकाला, जो इसको फ्रेगमेंटेशन किया, क्या ये पैकेट वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब उस पैकेट में कोई एरर है या पैकेट बिल्कुल वैलिड है।
अगर उस पैकेट में कोई एरर होता है तो उसको सिंपली वो डिस्कार्ड कर देगा, आगे वो बढ़ने ही नहीं देगा। अगर उसमें एरर नहीं होगा किसी भी तरीके से, तब वो आगे बढ़ेगा। अब एरर क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, तब उसकी लिस्ट आप लोग देखो कि एरर क्या क्या हो सकते हैं फायरवॉल के पैकेट में, मतलब कोई भी पैकेट में। तो इस पैकेट फ्लो को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग इसको देखना। देखो किसी भी पैकेट हेडर में ये सारे एरर्स हो सकते हैं, जैसे मिसमैच ऑफ द इथरनेट टाइप एंड आईपी वर्जन, मतलब आपका कहीं IPv4 चल रहा है, कहीं आपका IPv6 चल रहा है, और मतलब किसी तरीके से कोई मिसमैच है आईपी वर्जन में, इथरनेट टाइप में कोई मिसमैच है, तो आपको उस केस में भी पैकेट डिस्कवर्ड हो जाएगा। ट्रंकेटेड आईपी एड्रेस, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट किसी आईपी का जो साइज होता है 32 bits होता है, और उसमें से मान लो 30 bits का हमारा आईपी कोई मिला, तो उसमें से हेडर तो गायब है ना उसके, तो उस केस में भी आपका जो पैकेट है वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये सारे आपके, जैसे किसी आईपी का प्रोटोकॉल नंबर 0 है, इनवैलिड प्रोटोकॉल नंबर है तो भी हो जाएगा, TTL 0 है तो भी हो जाएगा, आईपी चेकसम एरर है तो भी हो जाएगा। अब ये तीन चीजें बचती हैं, लैंड अटैक, पिंग ऑफ डेथ, मार्टिन आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है, तो मार्टिन आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी आईपी जो दुनिया में कहीं या यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो आईपी एड्रेस अगर उसमें लिखा हुआ पैकेट में तो उसको फायरवॉल या मतलब कोई भी इंटरफेस उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। फिर लैंड ऑफ अटैक एंड पिंग ऑफ डेथ, ये होते हैं जहां पे आपका डॉस डीडॉस अटैक टाइप की कुछ चीजें होती हैं, जहां पे अननेसेसरी के बहुत सारे पैकेट्स आते हैं जिसको फायरवॉल को लगता है कि नहीं यार ये वैलिड पैकेट नहीं है, रैंडम सोर्स रैंडम डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, तो वो इस टाइप के लैंड ऑफ अटैक एंड पिंग ऑफ डेथ, जैसे किसी इंटरफेस को मुझे मारना है, उसको बैठा देना है सर्विसेज से, तो उसको डॉस अटैक बोलते हैं। तो उस टाइप के जो पैकेट होते हैं उनको भी पैकेट फायरवॉल डिस्कार्ड कर देती है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे इंग्रेस स्टेज पे होती है कि फायरवॉल पे कोई भी पैकेट लैंड करता है, देन फायरवॉल विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इट विल ट्राई टू फिगर आउट द इंफॉर्मेशन कि ये मेरा जो इंग्रेस इंटरफेस है इस पे क्या जोन है, मुझे आईपी फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबलिंग करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो फिर मुझे उस पैकेट की वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन करना है कि तुम वैलिड हो या नहीं वैलिड हो। अगर वो वैलिड है then it is going to be processed, if it is not valid then it is going to be straight away discarded. So this is how the packet flow is going to happen in the ingress label when packet received. Ab jab packet ko lagta hai ki nahi mera packet valid hai, ab ye packet firewall pe in kar jayega. Ab jaise hi firewall pe in karne ki, abhi bhi ingress stage mein hi hai, abhi andar nahi gaya hai, but ab firewall us pe check karega ki ye jo packet hai chalo valid hai mere paas aaya hai, इस पैकेट पे फायरवॉल इंस्पेक्शन करना है या नहीं करना है, राइट? देखो आप ये लिख रहा है साफ साफ कि डू वी रिक्वायर्ड फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल और नॉट, क्वेश्चन मार्क है। अब फायरवॉल इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, कई लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता हो तो आगे समझ में क्या आएगा, ठीक है? तो पहले तो आपको इसके मतलब समझना है कि फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें देखो दो कंडीशन पहले समझ लो, अगर फायरवॉल इंस्पेक्शन करना है तब तो पैकेट आगे जाएगा, अगर नहीं करना है फायरवॉल इंस्पेक्शन तो सीधा देखो पैकेट यहीं से निकलेगा इंग्रेस से और सीधे बाहर चला जाएगा। इग्रेस मतलब फायरवॉल से यहां से निकलेगा और यहां चला जाएगा, जो बीच का आपकी चीजें दिख रही है ना, ताम जाम बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, ये चारों ब्लॉक बाईपास हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, राइट, तो पैकेट आपका बिल्कुल एक राउटर की तरह, राउटिंग पैकेट की तरह ट्रीट होगा, एक स्विच की स्विच पैकेट की तरह ट्रीट होगा, मतलब एक इंटरफेस आएगा दूसरे पे चला जाएगा, सिर्फ राउटिंग टेबल देखेगा और चला जाएगा, खत्म। तो उस पे कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी की इन्फोर्समेंट नहीं लगेगी, वो नहीं चेक करेगा कि आपका जो फायरवॉल में पैकेट आया है उसमें वायरस है कि नहीं है, राइट, वो नहीं चेक करेगा उसमें वायरस है कि नहीं है, वो नहीं चेक करेगा उसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, वो नहीं चेक करेगा इसमें डॉस अटैक है कि नहीं है, इसमें नहीं चेक करेगा कि इसमें डेटा लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो वो नहीं चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रैफिक में 443 ब्लॉक करना है कि नहीं करना है, वो नहीं चेक करेगा फेसबुक ब्लॉक करना है कि नहीं करना है। तो इंस्पेक्शन का मतलब कि आपका कोई ACL हिट नहीं करेगा, वो कोई तरह का चेक नहीं करेगा, वो सीधा पैकेट को बाहर फेंक देगा, राइट, कोई भी एडवांस लेवल की वो चेकिंग नहीं करेगा। तो अगर आपको इंस्पेक्शन नहीं करना है तो आप फायरवॉल क्यों लगा रहे हो, पहला बात।
आप वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो, राइट। किसी किसी केस में स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जहां पे हम करते हैं या ट्रबल शूटिंग में हम करते हैं, बट आइडियली आपको इंस्पेक्शन करना होता, नहीं नहीं करना होता, ठीक है। तो हमेशा आंसर आपको 99.99% केस में आपको यस ही मिलेगा, नो नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको इंस्पेक्शन करना है, तो मान के चलते हैं कि हमें इंस्पेक्शन करना है, हमें इंस्पेक्शन वो आगे ले जाना है। तो जैसे ही आप बोलोगे इंस्पेक्शन मुझे करना है, तो ये जाएगा और बोलेगा ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो गया था इसलिए। अच्छा, आवाज मेरा ब्रेक हो गया। किस केस में मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफाइन करना पड़ता है कि करना है या नहीं करना? एक्चुअली आपको बाय डिफॉल्ट ये जो इंस्पेक्शन है इनेबल ही होता है, राइट। आपका बाय डिफॉल्ट एक फायरल में रूल होता है, जो डिफॉल्ट रूल होते हैं, आप नहीं भी कुछ करोगे तो भी आप इंस्पेक्शन इनेबल होता है। लेकिन उस केस में आपका दो कंडीशंस होते हैं, एक इंट्रा जून रूल होता है, एक इंटर जून होता है। तभी इसका आंसर ये मान के चलो, बताऊंगा आगे इसका आंसर, ये मान के चलो कि अगर आपको ये वाला जो कंडीशन बाईपास वाला जो है, इंस्पेक्शन बाईपास करने का जो नो करना है, तो इसके लिए कुछ आपको एडिशनल स्टेप लेने पड़ेंगे जहां पे आपको बिल्कुल पैकेट खोल देना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो कुछ भी इंस्पेक्शन हो, तो बिल्कुल एनी एनी करके आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ आए सब कुछ जाए, ठीक है, समझ गए? मतलब एनी सोर्स एंड डेस्टिनेशन कुछ भी चेक नहीं करना आपको, करना पड़ेगा हमको। हाँ, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, उसमें एनी एनी करके छोड़ दो आपको चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिसी इसमें दो होते हैं, इंट्रा जोन एंड इंटर जोन, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि पॉलिसी में एक में डिनाय होता है बाय डिफॉल्ट, एक में अलाउ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे फायरवॉल के इंस्पेक्शन करना है, तो अब इंस्पेक्शन करना मतलब क्या करना है, मैं जो पिछली कहानी बता रहा था कि इंस्पेक्शन करना है तो मुझे क्या करना है, कहाँ गया वो, फेसबुक उस पर लिखा था, वो नहीं दिख रहा था, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इंस्पेक्शन करना है कि नहीं करना है, तो वो आपका फिर आपका वो सारी चीजें चेक करेगा। जैसे इस फायरवॉल रूल में आप देखोगे तो मैं इसमें चेक करूंगा कि पर्टिकुलर मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है सोर्स से, डेस्टिनेशन से, कौन सा एप्लीकेशन जाना चाहिए, इसको फेसबुक पे जाना है, इसको याहू पे जाना है, इसको व्हाट्सएप पे जाना है, कहाँ इसको जाना है, इसको यूट्यूब पे जाना है, वो सारी चीजें चेक होगा। फिर ये सर्विसेज URL भी चेक होगा, एंड देन इस पे एक्शन क्या आप देना चाहते हो, फिर इसके कंटेंट को वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये सारी चीजें चेक होगी। मतलब इंस्पेक्शन का मतलब कि अब पैकेट की पूरी पोस्टमार्टम होगी, एक एक चीज उसकी चेक की जाएगी, इसके बाद पैकेट की प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल पे होगी, ठीक है। तो जैसे ही बोलता है कि पैकेट पे इंस्पेक्शन अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, दैट मीन्स कि आपको एक एक चीज वेरिफिकेशन करना है, हर एक पैकेट का हर एक लेवल पे जो आप चाहते हो वेरीफाई करवाना, वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा बेसिकली आपको। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेरा इंग्रेस इंटरफेस पे जब पैकेट आ गया और इस पे हमारा फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल है, अब ये पैकेट आपका दो टाइप के पैकेट हो सकते हैं। ये पैकेट आपका हो सकता है, एक आपका हो सकता है प्लेन टेक्स्ट, और दूसरा हो सकता है ये इनक्रिप्टेड पैकेट हो सकता है, राइट। अब इनक्रिप्टेड पैकेट आप लोग समझते हो, जो IPsec के पैकेट होते हैं, SSL VPNs के पैकेट्स होते हैं, राइट। तो ये जो पैकेट होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, राइट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब कि आपको कोई इनक्रिप्शन नहीं है, जो आपका सारी इंफॉर्मेशन, हेडर और पेलोड सब कुछ आपको दिख रहा है, कोई इनक्रिप्शन नहीं है उस पैकेट पे, दैट इज नोन एज अ प्लेन टेक्स्ट पैकेट्स। तो अगर वो पैकेट प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब इनक्रिप्शन नहीं है, तब तो ये सीधा यहां से फास्ट पाथ में इंटर हो जाएगा। फास्ट पाथ क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अगर वो इनक्रिप्टेड है पैकेट, तो क्या होगा, फायरवॉल के पास एक डिक्रिप्शन इंजन होता है इनबिल्ड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक डिक्रिप्शन इंजन बिल्ड होता है फायरवॉल के पास। वो फायरवॉल क्या करती है कि उस पर्टिकुलर पैकेट को उस इंजन के पास भेज देती है, क्योंकि अगर पैकेट इनक्रिप्टेड रहेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन वो फायरवॉल समझ ही नहीं पाएगी कि मुझे करना है इसके साथ, इसके अंदर क्या IP जा रहा है, क्या डेटा जा रहा है, सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे तो फायरवॉल उसको पढ़ नहीं पाएगी, जब उसको पढ़ नहीं पाएगी तो फिर वो कुछ भी चेक नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला काम वो करेगी कि उस पैकेट को डिक्रिप्ट करेगी, तो वो डिक्रिप्ट करेगा डिक्रिप्शन इंजन के पास, और फिर से वो पैकेट दोबारा यहाँ पे आ जाएगा इनक्रिप्टेड के केस में। अब दोबारा आने के बाद फिर से वो पैकेट क्या हो गया, वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, PT में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही PT में कन्वर्ट हुआ, उस पैकेट का फिर से L2 एक्सट्रैक्ट होगा, L3 एंड L4,
और आपका जोन एंड आईपी फ्रेगमेंटेशन फिर से वो चेक करेगा कि वो पैकेट आपका कोई एरर है कि नहीं है, उस पर फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं है, और फिर यहाँ पे जब पैकेट आएगा तो वो अब प्लेन टेक्स्ट बन चुका होगा, अब वी आर गुड टू गो। तो ये थोड़ा सा एडिशनल स्टेप्स है यहाँ पे इनक्रिप्टेड और नॉन इनक्रिप्टेड पैकेट के लिए। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बताइए। सर आईपी सेग में वो पहला और डिक्रिप्ट जो इंक्रिप्ट पैकेट रहेगा यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, बट ये जब फर्स्ट जब इंग्रेस पोर्ट पे मतलब जहाँ पे आता है तो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा L2 L4? मतलब स्टार्टिंग में ही वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना डिटेल्स, बिकॉज वो इंक्रिप्टेड पैकेट। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ कि आईपी सेग भी जो होता है ना, ये से आपका ओरिजिनल पैकेट हुआ ये वाला रेड कलर का, ठीक है, ये ओरिजिनल हुआ। अब मैं इसको इनक्रिप्ट कर दिया इसके अंदर, समझ गए, ये आपका ओरिजिनल पैकेट हुआ। इस ओरिजिनल पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए लोगों को, दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे पैकेट हुआ तो इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, चलो एक मैं सिंपल सा ले लेता हूँ। ये पैकेट के अंदर हमारा सोर्स आईपी होगा, ठीक है, एक डेस्टिनेशन आईपी हो गया, राइट, हो गया क्लियर। एक आपके पास सोर्स पोर्ट भी हो गया और डेस्टिनेशन पोर्ट भी हो गया, अभी मान के चलते हैं एप्लीकेशन भी हो गया प्लस फाइनली आपका डेटा हो गया, यही हो गया ना। अब इस पैकेट को आपने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करने का मतलब ये कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें क्या डेटा है, क्या मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इनक्रिप्ट हो गया पैकेट है, लेकिन इस पैकेट को चलना भी तो चाहिए, इस पैकेट को चलना भी तो चाहिए। अगर इनक्रिप्ट कर देंगे बिना हेडर का पैकेट एक राउटर से, एक स्विच से, एक फायरवॉल से, दूसरे इंटरफेस से कैसे स्विच होगा, राइट? तो उसमें मुझे एक हेडर लगाना पड़ेगा, या तो मुझे इसके आईपी हेडर को छोड़ना पड़ेगा, या तो मुझे एक नया आईपी हेडर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को आप लोग? ओके, तो आईपी सेक के, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा कोर्स का पार्ट है, मैं बहुत से सीएनपी से पढ़ाता हूँ इसको, बहुत बेसिक से, तो हम इसको पढ़ेंगे अभी, बट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दो मोड्स होते हैं, जब आपने पूछ लिया तो मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक आइडिया बन जाए, ऑल्दो हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो मेरा डेस्कटॉप कहाँ गया, ये रहा, और इसमें मेरा इनकोर का सीसीआई की बुक ये रही, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बस कि वो पैकेट कैसे आपको दिखता है उस पर इनक्रिप्ट होकर। तो अरे यार हो गया, ओवरले में जाते हैं हम लोग यहाँ पे जी, अरे आईपी सेक फंडामेंटल। तो आईपी सेक के अगर देखो आप बात, देखो यहाँ पे आप लोग देखो, ये पैकेट होता है, ये ओरिजिनल पैकेट हुआ, इसके दो मोड होते हैं, एक टनल मोड होता है, एक ट्रांसपोर्ट मोड होता है, देख रहे हो। टनल मोड में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मोड में क्या करता है कि आपका ओरिजिनल डेटा प्लस हेडर सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है, देख रहे हो आप। और इसमें एक नया आपका डेटा सिर्फ इनक्रिप्ट हो जाता है, डेटा इनक्रिप्ट होता है, ओरिजिनल हेडर बाहर रहता है, इसके बेसिस पे आपका पैकेट स्विच होता है, सॉरी, ठीक है, ओरिजिनल हेडर बाहर रहता है, डेटा एंड ऑल आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। अगर आप इसको टनल मोड में करते हो तो आपका हेडर भी इनक्रिप्ट हो जाता है, डेटा भी, जो मैं सिनारियो बता रहा था आपको, ये वाला सिनारियो, ये टनल मोड का सिनारियो है। अब इसमें एक नया आईपी हेडर लग गया, देखा आप, लग गया ना अपना आईपी हेडर, यस, पैकेट स्विच होता है, तो जो आपका पैकेट आएगा फायरवॉल पे वो बेसिकली वो आएगा एक आईपी से होगा, तो आईपी हेडर लेकर आएगा, तो वो उसके अंदर का जो पैकेट होगा दैट इज इनक्रिप्टेड, तो उसको आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, क्लियर? ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब आगे आपका आती है बात कि जब हमारा पैकेट यहाँ से आ गया प्लेन टेक्स्ट में बनके यहाँ पे आ गया, अब ये पैकेट सीधा ये स्टेज में आता है जिसको बोलते हैं फास्ट पाथ। 99% आप मान के चलो कि पैलो ऑल्टो के इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फास्ट पाथ एंड स्लो पाथ, ये आप लिख लो और इसको ध्यान रख लो, कहीं पर भी पूछा ही जाएगा आपसे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तब दोनों का डिफरेंस समझो क्या होता है। यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा पैकेट का लाइफ साइकिल क्या है इनग्रेस स्टेज में, आई थिंक ये बहुत ईजी है, सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे कहानी क्या है अब वो समझो आप लोग। अब ये पैकेट यहां से होकर फास्ट पाथ में लैंड करेगा, अब लैंड करने के बाद दो कंडीशन होगी, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आप लोगों को स्टेटफुल और स्टेटलेस बताया था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई पैकेट हिट करता है फायरवॉल में तो वो अपना
स्टेट को चेक करने की कोशिश करता या ACLs को चेक करने की कोशिश करता पहली बार, राइट? जब पहले नहीं, क्योंकि अगर मेरा पैकेट इस फायरवॉल में आया, पहली बार आया, तो इसको क्या पता है क्या इस फायरवॉल में क्या पैकेट है क्या नहीं है, उसको उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा? तो वो क्या करता है कि अपनी ACLs को चेक करता है। अब ACLs को चेक करने के बाद अगर आपका लेगेसी फायरवॉल है तो हर बार ACL को चेक करेगा, जितनी बार पैकेट आएगा उतनी बार चेक करेगा। लेकिन आपका अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है तो फर्स्ट बार जब पैकेट आपका हिट करेगा तो ACL को चेक करेगा, दैट मींस कि आपकी जो पॉलिसी है ना, जो ये फायरवॉल में पॉलिसी दिख रही है, इसको चेक करेगा कि मेरे पास ये जो पैकेट आया है मेरे पास कोई पॉलिसी है क्या, कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरा कुछ डेस्टिनेशन है, इसको मुझे अलाउ करना है डिनाई करना है, कोई मेरे पास पॉलिसी है क्या। अगर उसका आंसर मिलता है यस आई डू हैव अ पॉलिसी, तो वो पर्टिकुलर फायरवॉल उस पर कुछ एक्शन लेगा। लेकिन उसको एक्शन लेने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए जो मेरे पास आया है उसका पॉलिसी है, लेकिन क्या मेरे पास सेशन है, जो हमने बताया था स्टेट टेबल, दैट इज सेशन टेबल, क्या मेरे पास सेशन है इस पर्टिकुलर जो पैकेट मेरे पास आया सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए। अगर उसको आंसर मिलता है यस मेरे पास सेशन है और मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूं, तो फिर वो फायरवॉल इसी स्टेज में रहेगी, फास्ट पाथ स्टेज में, और फिर यहां से या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन समरी ये हुआ कि अगर कोई ऐसा पैकेट जो आपके फास्ट पाथ में लैंड किया इनग्रेस स्टेज से, हर पैकेट को फास्ट पाथ में ही लैंड होना है, लेकिन वो लैंड होते ही पूछेगा कि क्या मेरा इस पैकेट के लिए सेशन है, अगर उसका आंसर मिलता है यस, देखो वाई, तो सीधे यहां पे आ जाएगा L2 to L4 प्रोसेसिंग में। अगर इसका आंसर मिलता है नो आपके पास सेशन नहीं है, तो सीधे ये स्लो पाथ में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो आपका कोई भी नया पैकेट होगा जो पहली बार फायरवॉल को हिट करेगा वो हमेशा स्लो पाथ में आएगा, या कोई ऐसा पैकेट जो आपके फायरवॉल पे हिट कर दिया है लेकिन उसका सेशन टाइम आउट एक्सपायर हो चुका है, उसका सेशन डिस्कार्डेड हो चुका है, या सेशन उसका फ्लश हो चुका है कैसे से, तो भी आपका स्लो पाथ में आएगा। तो दोनों ही सिनारियों में आपका पैकेट जो है फास्ट पाथ से स्लो पाथ में आएगा। तो अभी मान के चलो कि मेरा पैकेट बिल्कुल नया है, तो ये फास्ट पाथ से स्लो पाथ में आना ही आना है क्योंकि इसके पास सेशन नहीं है। तो ये स्लो पाथ में क्या करने जाता है अभी भी समझना है हमें, राइट? तो फास्ट पाथ में तो ये समझ में आया कि कोई भी पैकेट का सेशन है पहले से बना हुआ तो फास्ट पाथ में जाएगा, फिर आगे जाएगा, आगे क्या करेगा उसकी कहानी हम समझेंगे, लेकिन ये स्लो पाथ में क्या करने जाता है ये समझना बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो पैकेट बेसिकली स्लो पाथ में इसलिए जाता है कि उसको जो आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर पैकेट के लिए आपको सेशन क्रिएट करना पड़ता है, सेशन क्रिएट करके फिर उसको फास्ट पाथ में इंस्टॉल करना होता है, कि अगर वो दोबारा पैकेट फिर से मेरे पास आए तो मैं स्लो पाथ में नहीं जाऊं, मुझे सेशन मिल जाए यहाँ पे। तो ये जो सेशन का क्रिएशन का काम होता है ना, फर्स्ट टाइम सेशन क्रिएशन का जो काम होता है किसी भी पैकेट का, वो स्लो पाथ करता है, और फास्ट पाथ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैकेट को स्विच करता है आपके एग्जिस्टिंग सेशन के बेसिस पे। तो स्लो पाथ ऑलवेज क्रिएट अ सेशन बेस्ड ऑन द आपका पैकेट जो भी फायरवॉल में रिसीव हुआ, वो स्लो पाथ उसको सेशन क्रिएट करता है। अब वो करता क्या है, अब देखो समझो आप लोग, तो कोई पैकेट आया उस पैकेट के तीन प्रिंसिपल फायरवॉल चेक करती है। पहला, आप लोग लिख लो इसको कहीं पे, उसका देखेगी राउटिंग है या नहीं है, राउटिंग एप्लीकेबल और नॉट, पहली चीज ये होती है। दूसरा वो चेक करेगा कि इसके अंदर नैट एप्लीकेबल एप्लीकेबल और नॉट। तीसरा जो है इसके लिए पॉलिसी अवेलेबल और नॉट, मीन्स एप्लीकेबल अवेलेबल जो भी है। ये तीन कंडीशन हमेशा चेक होगा, अगर ये तीन कंडीशन आपके पैकेट में मैच होता है तभी आपका फायरवॉल इस पैकेट के लिए सेशन क्रिएट करेंगे। अगर ये नहीं मैच होता है किसी भी रीजन से तो आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड मीन्स आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, राइट? तो अब देखिए समझिए क्या होता है। तो मैंने बताया कि कोई भी पैकेट हमारे पास आता है
तो इसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेटा एप्लीकेशन सब होते हैं। लेकिन इन सब में से सिर्फ तीन चीजें फायरवॉल चेक करती है स्लो पाथ में, कि उस पर्टिकुलर पैकेट पे जो आपका है पॉलिसी सही से क्रिएटेड है कि नहीं है, उस पॉलिसी के अंदर सारी चीज आपके एप्लीकेशन कंटेंट डेटा सब कुछ आ जाता है। फिर वो चेक करती है कि आपके लिए नेट है कि नहीं है, फिर आपकी चेक करती है कि आपके लिए उसमें राउटिंग है कि नहीं है। इसलिए फायरवॉल के अंदर आप लोग देखोगे तो हमारे पास कहाँ गया फायरवॉल, ये फायरवॉल हमारे पास है। तो ये जो सेक्शन है जहाँ पे आप देख रहे हो पॉलिसी का सेक्शन है, राइट, जिसमें सारी पॉलिसी लिखी जाएगी। ये एक एग्जिस्टिंग बैच का है लैब जिसको मैंने अभी करा रहा हूँ, खत्म होने वाला है, तो इसलिए इसमें इतना कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। दूसरा ये इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको नैट है, यू टर्न नैट, डेस्टिनेशन नैट, इसमें यू टर्न विद डुअल नैट आपका है। तो ये चार टाइप के नैट हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। तो ये कैसे होते हैं मैं सारा करके दिखाऊंगा कि चीज आपको क्या मतलब होता है। फिर फाइनली आपकी इसमें आती है राउटिंग की, वर्चुअल राउटर के अंदर राउटिंग कैसे होती है, क्या आपका रिब होता है, क्या आपका फिब होता है, कैसे राउटिंग टेबल में राउट दिखते हैं, फॉरवर्डिंग टेबल क्या होती है, राउट को कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कैसे आपका रिब, ओएसपीएफ, बीजीपी, ये सब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझना हो तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें राउटिंग भी होगा, आपकी फॉरवर्डिंग लुकअप भी होगा, प्लस आपकी नेट भी चेक होगा, प्लस आपकी बेसिकली पॉलिसी भी चेक होगा। तो स्लो पाथ में जैसे ही पैकेट आएगा, जो हमारा पैकेट ये था, ये जैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सेशन नहीं मिला, तो वो चेक करेगा कि इसका मेरे राउटिंग है कि नहीं है। अगर बोलता है कि राउटिंग है यहाँ पे, तो फिर जाएगा, जब राउटिंग नहीं होगा तो सीधे पैकेट यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। जब राउटिंग नहीं है तो आगे क्या प्रोसेस करना है, राउट तो मेन चीज है, बिना राउटिंग कुछ चल नहीं सकती है। तभी मैं बोलता हूँ बेसिक नेटवर्किंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना राउटिंग के विलेंस के आपको चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी। तो बेसिक नेटवर्किंग एटलीस्ट स्टैटिक राउट तो कन्फिगर करने आपको आना ही चाहिए, फायरवॉल सीखने आप आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड, ठीक है। विलेन कैसे कन्फिगर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राउटिंग के बाद अब आती है नैट पॉलिसी। अब नैट पॉलिसी क्या होता है कि इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो अगर नहीं समझ में आया जो मैं बताने जा रहा हूँ, राइट, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप उसको अभी ये समझ लेना कि ठीक है अभी नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप घबराना नहीं, ठीक है। अभी नैट पॉलिसी जो हमारी होती है, इसमें अब दो टाइप की नैट होता है, अभी ऐसे चार टाइप की नैट हम पढ़ेंगे। एक होता है सोर्स नैट, एक होता है डेस्टिनेशन नैट, राइट। तो सोर्स नेट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कि जैसे एक पैकेट हुआ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक पैकेट बनाता हूँ और एक मैं यहाँ बना लेता हूँ पैकेट, ठीक है, और एक मैं ये पैकेट बना लेता हूँ डेस्टिनेशन नेट के लिए, ठीक है। आप लोग समझना, मैं कुछ कुछ आईपी लिख देता हूँ हर एक सेक्शन में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मान के चलो कि इसमें मैं आईपी लिख दिया, क्योंकि मेरा सोर्स आईपी है 192.168 और 10.10, सॉरी, और इसको जाना है बेसिकली आपको 8.8.8 पे, और यहाँ पे जो आपका हाँ ये ओरिजिनल पैकेट हो गया, और एक आपका ये पैकेट हो गया, फिर से आपका इस पे आपका सोर्स है ये वाला, राइट, और आपका मान के चलो कि या मान के चलो कि अभी यही मान लेते हैं कि सोर्स आपका यही हुआ, राइट, 10.10 ही हुआ, और डेस्टिनेशन भी यही लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए बात करूं, तो ये मैं बोलता हूं ये मेरा ओरिजिनल पैकेट है, ओरिजिनल पीकेटी मैं बोलता हूं, और ये मेरा ट्रांसलेटेड पैकेट है, ट्रांसलेटेड पीकेटी में लिख देता हूं, चलो ठीक है। यहां भी आपको ओपी लिख देता हूं और यहां पे टीपी लिख देता हूं, ट्रांसलेटेड पैकेट। तो अगर मैं सोर्स नेट कर रहा हूं तो इसमें देखो यहां पे ये जो आईपी है सोर्स आईपी हो गया, और ये वाला हमारा डेस्टिनेशन आईपी हो गया, यहाँ भी ये सोर्स आईपी हो गया, और ये वाला ब्लॉक हो गया डेस्टिनेशन आईपी हो गया। तो जब मैं सोर्स नेट बोलता हूँ तो मतलब कहने का मतलब डेस्टिनेशन मेरा चेंज नहीं होगा। अब ये करते क्यों है ये बाद में हम समझेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, लेकिन अभी मान के चलो कि ये आपका सोर्स आईपी ये हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया। तो सोर्स में हम क्या करते हैं, सोर्स एड्रेस को मान के चलो कि 192.168 से किसी दूसरे एड्रेस में चेंज कर दिए, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, किसी भी सिनेरियो में। तो मान के चलो आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो पब्लिक में कर दिया, तो ये मैंने 123.10.10.1 डाल दिया, इसमें सोर्स आपका चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं सोर्स नेट, मतलब आपको ओरिजिनल सोर्स से आपने अलग सोर्स में चेंज कर दिया।
डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है कि आपका सोर्स चेंज नहीं होता है, आपका सोर्स सेम रहता है। डेस्टिनेशन हो सकता है कि 8.8 से आपका 1.1 पे चला जाए, राइट, पब्लिक आईपी। तो इसमें आपको डेस्टिनेशन नेट बोलते हैं, मतलब जिसमें आप डेस्टिनेशन चेंज करते हैं उसको डेस्टिनेशन नेट बोलते हैं, जिसमें सोर्स चेंज करते हैं उसको सोर्स नेट बोलते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अनकॉमन है इन दोनों में, राउटिंग। अब जो राउटिंग होती है ना हमेशा वो डेस्टिनेशन बेस्ड होती है। राउटिंग ऑलवेज हैपन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलवेज हैपन बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस। ये बात आप लोगों को लिख लो, ध्यान रख लो, ठीक है। राउटिंग ऑलवेज हैपन इन बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस। तो अगर मैं सोर्स नेट वाले पैकेट की बात कर रहा हूँ तो इसमें डेस्टिनेशन मेरा चेंज हो रहा है क्या? ये तो सेम रह रहा है, आप लोग देखो इसमें। तो अगर किसी रीजन में आपको ये लगता है कि आपका पैकेट में नेट होना है, अगर वो नेट सोर्स नेट है तो फायरवॉल आराम से उसको चेक करके ना आगे पॉलिसी के लिए भेज देगी। फॉरवर्डिंग लुकअप में राउटिंग चेक किया, अगर उसको सोर्स नेट मिला तो वो सीधे आगे पॉलिसी लुकअप के लिए भेज देगी, कुछ एडिशनल स्टेप नहीं लेगी, वो सिर्फ एवलुएट कर लेगी कि हाँ सोर्स नेट हो रहा है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नेट होता है तो फिर एक एडिशनल स्टेप लेगी। क्यों? क्योंकि सोर्स नेट में आपका सोर्स एड्रेस चेंज हो रहा है लेकिन राउटिंग लुकअप हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस पे होगी, ये बात ध्यान रखो। तो राउटिंग लुकअप हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस पे होती है, जो कई लोगों को नहीं पता होता है और इंटरव्यू में वो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, इंटरव्यूअर कन्विंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो राउटिंग हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस पर, कभी सोर्स नहीं चेक करता। जब आपका पैकेट जा रहा होता है, राउटिंग मतलब आपका पैकेट बाहर जा रहा है, तो हमेशा डेस्टिनेशन देखते हुए जाएगा, वो सोर्स नहीं चेक करता। जब आएगा तो जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, तो हमेशा आपका सोर्स चेक करते हुए आएगा, मतलब सोर्स ही डेस्टिनेशन बन जाएगा आपके लिए, तो वो भी डेस्टिनेशन ही होगा टेक्निकली, लेकिन आपको सोर्स को चेक करते हुए आएगा। तो हमेशा उसके पैकेट में जो डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होती है, हमेशा कभी भी सोर्स बेस्ड राउटिंग नहीं होती, अनलेस और अनटिल आप पीवीआर नहीं लगा रहे हो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग नहीं लगाते। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग में आपकी सोर्स बेस्ड राउटिंग भी हो जाती है, इसलिए पीवीआर हम यूज करते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे इस केस में बेसिकली आपको डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग हो रही है और इस डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग पे आपको यहाँ पे नेट पॉलिसी लुकअप होगा, एवेल्युएट करने की कोशिश करेगा और इस नेट पॉलिसी में ये देखेगा कि बॉस मेरे पास इस डेस्टिनेशन के लिए क्या नेट या सोर्स के लिए क्या नेट हमें डिसाइड करना है। सोर्स है तो सिंपली करेगा और आगे भेज देगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, अगर बोलता है कि अगर डेस्टिनेशन नेट है तो प्रॉब्लम है, उस केस में क्या होगा कि आपकी राउटिंग पहले तो इसने चेक किया इसके लिए, इस एड्रेस के लिए 8.8 के लिए, लेकिन अब हो गया डेस्टिनेशन नेट, आपका आपके डेस्टिनेशन एड्रेस ही चेंज हो गया। ये वाला पैकेट हो सकता है आपका इथरनेट 0/1 से जा रहा होगा, ये वाला डेस्टिनेशन का एग्रेस इंटरफेस इथरनेट आपका 0/2 से जा रहा होगा, फिर इसके केस में क्या करोगे आप? ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर से उस केस में आपको रीफॉरवर्डिंग राउटिंग लुकअप चेक करना पड़ता है बेस्ड ऑन नए डेस्टिनेशन। नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, जस्ट डाइजेस्ट, हम जब नेट पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे पैकेट चेंज होता है। मैं करके दिखाऊंगा चेंज कैसे पैकेट होता है आपको, बिल्कुल लाइव फ्लैग के साथ। तो अभी ये मान के चलो कि अगर डेस्टिनेशन नेट हो रहा हो तो आपके दोबारा से पैकेट आपका यहाँ, जैसे यहाँ पे ऊपर हम देख रहे थे ना कि जैसे आपका इनक्रिप्टेड पैकेट दोबारा से पैकेट जा रहा था, ऐसे ही यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन नेट हो रहा होगा तो फिर से सेकेंड लुकअप होगा और ओरिजिनल डेस्टिनेशन के हिसाब से फिर से आपका एग्जैक्ट रियल इग्रेस इंटरफेस और उसका जोन फाइंड आउट किया जाएगा कि कहां से मुझे पैकेट को एक्चुअली निकालना है, राइट। इस तरीके से आपका यहां पे आ जाएगा। देन आने के बाद फिर ये पॉलिसी लुकअप करेगा कि ये पॉलिसी इसके लिए क्या है, क्या अलाउ है, नहीं अलाउ है, डिस्कार्डेड है। अगर वो अलाउ होगा पॉलिसी आपके फायरवॉल में तब तो वो फिर आगे आपको सेशन को क्रिएट कर देगा यहाँ पे, अगर नहीं अलाउ होगा तो पैकेट वहीं पे आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो जब सेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो फिर इसको ले जाकर यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देगा, सॉरी यहाँ नहीं, जैसे ही सेशन क्रिएट होगा तो इस सेशन को फिर ले जाके ये फास्ट पाथ में इंस्टॉल कर देगा। तो स्लो पाथ का यहीं पे काम खत्म हो जाता है, मतलब इसका यही काम होता है कि सेशन बनाकर और फास्ट पाथ में इसको इंस्टॉल करा देना। जैसे ही सेशन इंस्टॉल होता है फास्ट पाथ में, इसका काम यहीं पे एंड हो जाता है। द एंड होने के बाद
अब दोबारा जब वो पैकेट आएगा तब वो काम फास्ट पाथ करेगा जो उसको करना होगा, स्लो पाथ में पैकेट नहीं जाएगा क्योंकि उसका सेशन अब बन चुका है। तो मैं इधर का क्लियर कर देता हूँ। तब मेरा मान के चलो कि मेरा सेशन इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे पैकेट आ गया। अब मेरा जब फास्ट पाथ में पैकेट आता है तो फास्ट पाथ क्या करता है, वो क्या करेगा कि उस पैकेट के लिए लेयर टू से लेयर फोर की इंस्पेक्शन करेगा, मतलब मैक एड्रेस चेक करेगा, आपका आईपी चेक करेगा, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा और नेट उस पर अगर कुछ करना होगा तो भी उसको यहाँ पे इवेलुएट करके उसने दिया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो एक्चुअली अप्लाई करेगा। तो वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा कि हमें सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट के बेसिस पे मुझे कुछ एक्शन लेना है कि लेयर सेवन नहीं है, सिर्फ लेयर टू टू लेयर फोर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करेगा और चेक करने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। अब वो पैकेट पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है, यहाँ तो हम आईपी से एक डिक्रिप्शन की बात की है, राइट, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आईपी से एक डिक्रिप्शन की बात की है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, लेकिन एक पैकेट होता है जिसपे एसएसएल प्रॉक्सी एसएसएल डिक्रिप्शन होता है, सर्टिफिकेट बेस्ड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। जैसे कोई आप वेबसाइट खोलते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई भी और मैं यहाँ से facebook.com खोलता हूँ, राइट, आप लोग ध्यान से देखो तो ये वेबसाइट जो होती है ना, ये आपकी HTTPS वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ पर देखो एक लॉक लगा हुआ है, ये लॉक जो होते हैं ये सिक्योर कनेक्शंस को बताते हैं कि हम सिक्योर हैं और इसकी एक वैलिड सर्टिफिकेट होती है जो facebook.com को DigiCert से मिला हुआ है और ये सर्टिफिकेट इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं फेसबुक पे किसी से चैट कर रहा हूँ या फेसबुक पे मैं किसी से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, कोई इसको हैक नहीं कर सकता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सिक्योर मीडिया। किसी भी बैंकिंग वेबसाइट को भी खोल लो, आप कोई वेबसाइट खोलोगे जिसके अंदर, गूगल ही खोल लो सिंपल, तो गूगल के अंदर भी देखो यहाँ पे आपका लॉक लगा हुआ है, जिसके अंदर आपको लॉक लगा हुआ है यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो ये समझ जाना कि फुल सिक्योर है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने फायरवॉल खोल रखी है, फायरवॉल के अंदर लॉक नहीं है, नॉट सिक्योर लिखा हुआ, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेट एक्सपायर है, ठीक है, इस पर सर्टिफिकेट मेरे पास एक्सपायर है इस फायरवॉल के, तो ये सिक्योर अभी नहीं है, इस पर प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो भी आप वेबसाइट खोलते हो जो ग्लोबली नोन है, जो बैंकिंग की है, कोई अच्छे अच्छे चीजों के हैं, वो सारे आपके बेसिकली वो सारे आपके वेबसाइट बहुत ही सिक्योर होते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपका पैकेट इनक्रिप्टेड है बेस्ड ऑन द SSL, राइट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर वो इनक्रिप्टेड है तो आपको हेडर तो मिल जाएगा, राइट, लेकिन उसका डेटा जो होगा ना वो आप नहीं इंस्पेक्ट कर सकते हो। मतलब अब उसने क्या अटैचमेंट भेजा, उस डेटा में क्या वायरस गया, उसने क्या कंपनी का डेटा लीक किया, वो इंफॉर्मेशन नहीं आप गैदर कर सकते हो किसी भी कीमत पे, आप वो चीज नहीं कर। इसलिए इसमें एक सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिक्रिप्शन, जिसमें सर्टिफिकेट मैनेजमेंट से लेकर आउटबाउंड डिक्रिप्शन, इनबाउंड डिक्रिप्शन हम करेंगे आगे चल के, जिसका नाम है SSL डिक्रिप्शन। ये भी 99% आपको इंटरव्यू में L3 के इंटरव्यू देने जा रहे हो, L2 एंड L3 की, तब से पूछा ही जाएगा कि SSL डिक्रिप्शन क्या होता है। तो आपको इसके बेसिक प्रिंसिपल से लेकर आपको पूरी लैब टेस्टिंग तक पता होना चाहिए जो मैं आपको कराऊंगा डिक्रिप्शन में अपनी लैब में। तो ये सारी चीजें, तो ये पैकेट जब आपका रिसीव होता है तो उसमें आपकी डिक्रिप्शन भी मैच होती है और डिक्रिप्शन भी चेक करने की कोशिश करता है अगर एप्लीकेबल है। तो अभी जो SSL डिक्रिप्शन वाला जो पार्ट है इसको हम पार्क कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि अगर SSL डिक्रिप्शन आपको समझना है तो आपको पूरा डिक्रिप्शन को समझना पड़ेगा। तो अभी ये मान के चलो कि हमें डिक्रिप्शन नहीं करना है, नहीं चेक करना है, तो हम उसको हम अभी यहाँ स्किप करते हैं, हम बाद में इसको जब डिक्रिप्शन पढ़ेंगे तो फिर से इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे डिक्रिप्शन होता क्या। अब इसी तरीके से उस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर आपका एप्लीकेशन होगा, राइट, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन इंजन होता है फायरवॉल के अंदर इनबिल्ड होता है, जो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन इंजन। अब ऑब्जेक्ट में जाते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इस पर्टिकुलर फायरवॉल के अंदर, और वो सारे एप्लीकेशन जो होते हैं जिसे यहाँ सर्च करोगे तो आपका, जैसे मैं वेल नोन दिखाता हूँ, फेसबुक आप लोगों को पता होगा पौधे के सारे, फेसबुक चैट, फेसबुक पोस्टिंग, फेसबुक वीडियो, वॉइस, इस तरह से आप अगर यहाँ देखते हो यूट्यूब, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी व्हाट्सएप टाइप करो आप, सो यहाँ पे व्हाट्सएप के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे आपको दिमाग में, जो भी एप्लीकेशन है। देखो टोटल यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है 3418 मिल रहा है। अगर आपको ओपन सोर्स पे इंटरनेट पे देखना है
पैलो ऑल्टो का, तो ये एप्लीपीडिया डॉट पैलो ऑल्टो नेटवर्क है, मैं आपको चैट में डाल देता हूँ। आप लोग इस पे जाकर लॉग इन करके आप सारे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो जो पैलो ऑल्टो में अवेलेबल है। यहाँ पे जाकर सर्च करोगे आपके सारे एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो बेसिकली पैलो ऑल्टो के पास AI बेस्ड मशीन लर्निंग के थ्रू एक एप्लीकेशन रिकग्निशन इंजन होते हैं, राइट, जो आपके फायरवॉल से जो भी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपके पैकेट में ही होता है, जो L7 जिसको मैंने लिख रखा है। तो यहां तक तो हम समझ गए, डेटा हमारा कहाँ पे आएगा, जो हम डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन करेंगे तब आएगा, उसकी चेक्स हम डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन में करेंगे। लेकिन अब बच गया उसके आपकी L7 इंस्पेक्शन के, ये डेटा जो आपका है इंस्पेक्शन कंटेंट इंस्पेक्शन, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तब आएगा जब ये इंक्रिप्टेड है SSL के थ्रू। अगर ये प्लेन टेक्स्ट में है तो ऐसे ही हो जाएगा कंटेंट इंस्पेक्शन में। तो दोनों सिनेरियो हम बात करेंगे। तो एक अगर मान के इंक्रिप्टेड है SSL तो आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं इंक्रिप्टेड है तो फिर यहाँ पे ऐसे ही चेक हो जाएगा, ये भी हम समझेंगे अभी। तभी एप्लीकेशन है तो अब वो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो मेरा आया है वो उसका एप्लीकेशन क्या है, किस एप्लीकेशन में फॉल कर रहा है, क्या वो फेसबुक है, क्या वो याहू है, क्या वो कोई फोर्सेड है, फोर्सिंक है, क्या व्हाट्सएप है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, 51.com है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एप्लीकेशन रिकग्नाइज हो जाता है फायरवॉल में, रिकग्नाइज होना बड़ा जरूरी है, अगर रिकग्नाइज हो जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन है तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी केस से एप्लीकेशन रिकग्नाइज नहीं हो पाता है, राइट, ये एप्लीकेशन ID आइडेंटिफिकेशन अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर ये जो 4086 एप्लीकेशन है इसमें से कोई भी एप्लीकेशन मैच कर जाता है तो मतलब फायरवॉल उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, बट किसी कारण से वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है तो वो फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी फायरवॉल, तब वो जाएगा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में। अब इसमें क्या चेक करेगा कि जो एप्लीकेशन मेरे पास है उसके लिए क्या मेरे पास कोई ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि जिसमें जो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं करना है ओवरराइड कर देना है। ऐसा भी मैं फायरवॉल को बोल सकता हूँ कि तुम्हें ना एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई नहीं करना, ओवरराइड कर दो, मतलब उसको चेक ही मत करो। तब तो अगर बोलता है कि अगर बना हुआ है तो सीधे ये सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप में चला जाएगा। देखो अगर ओवरराइड पॉलिसी बना होगा तो मतलब आपको एप्लीकेशन के बारे में सोचना नहीं है, सीधे सिक्योरिटी बेस्ड लुकअप करो, जाओ और अपना आगे बढ़ो, देखो इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी है तो मैच करो, नहीं तो इसको डिस्कार्ड करो, तो फिर कंटेंट इंस्पेक्शन में चला जाएगा सीधा यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि ओवरराइड पॉलिसी नहीं है तब फायरवॉल फिर भी कोशिश करेगी कि मैं मेरे पास उसके पास बहुत सारे AI ML बेस पे उसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, वो पैटर्न बेस सिग्नेचर बेस कुछ आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेगी। अगर कुछ मिलता है तो फिर उसके लिए पॉलिसी चेक करेगी, नहीं मिलता है दैट विल लीव, ठीक है छोड़ देगी उसको, छोड़ देगी, कुछ नहीं करेगी फिर। तो वो पैटर्न बेस एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेगी, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी पॉलिसी के अंदर जो भी उसके लिए डिफॉल्ट एक्शंस होंगे वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा, आपने डाल रखा है कोई एप्लीकेशन और मिला नहीं है तो डिस्कार्ड ही हो जाएगा, अगर आपका ए नहीं है तो फिर प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिर अगला स्टेप आपका सिक्योरिटी पॉलिसी पे चला जाएगा और फिर वो देखेगा कि मेरे लिए पॉलिसी है कि नहीं है, अगर है तो फिर यहीं से मतलब या तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लो या तो यहाँ मान लो कंटेंट इंस्पेक्शन पे आपका आ जाता है बात। अब इस कंटेंट इंस्पेक्शन में क्या होता है, अब इसी ब्लॉक पे ये दोनों सेम ही मीनिंग है, बस यहाँ पे डिक्रिप्शन का एक अलग से जोड़ दिया है, यहाँ भी सेम डिक्रिप्शन का जोड़ रखा है। तो अब उस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर L7 की आइडेंटिफिकेशन हो गई, L3 की हो गई, आपकी L2 की हो गई, अब आती है बात डेटा की, कंटेंट की। अब इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, जैसे आपका हो सकता है कोई कंटेंट में आपका वायरस हो, कोई स्पाइंग एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी आपकी चेक करने की कोशिश कर रहा है, कोई URL फिल्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई डेटा फिल्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई डॉट प्रोसेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। आपका हो सकता है कोई आपका चीरोड अटैक हो जिसके लिए वाइल्ड फायर हम यूज करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी फाइल ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट हो, आप किसी तरह की फाइल आप अपलोड डाउनलोड कर रहे हो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, इट कुड बी पॉसिबल। तो उस सिनारियो में आप क्या करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं कंटेंट इंस्पेक्शन के थ्रू ही। कोई कंपनी का डेटा लीक ना कर दे, कोई वायरस ना कंपनी में आ जाए, कोई डाउनलोड ना कर ले, तो ये कंटेंट इंस्पेक्शन का जो इंजन होता है ये बेसिकली आपके हर एक कंटेंट को जो भी पैकेट में आ रहा है और जा रहा है, मतलब ये फायरवॉल है
ये कुछ भी प्रोसेस कर रही है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, अगर आपने इसके कंटेंट जो आपकी कंटेंट इंस्पेक्शन है आपने इसको इनेबल कर दिया सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, तो ये आपके बेसिकली चीजों को इंस्पेक्ट करना चालू कर देंगे। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड फायर का कंटेंट इंस्पेक्शन मैंने अलाउ कर रखा है, तो वाइल्ड फायर चेक करेगा। अगर आप मैंने एंटीवायरस कर दिया, एंटीवायरस चेक करेगा। आपको वल्नरेबिलिटी कर दिया, वल्नरेबिलिटी चेक करेगा। एंटी स्पाइवर कर दिया, एंटी स्पाइवर चेक करने की कोशिश करेगा, राइट। आपका यूआरएल फिल्टरिंग चेक करेगा, फाइल ब्लॉकिंग चेक करेगा, डेटा फिल्टरिंग चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा ये, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। और इस तरीके से देखो, आप अगर यहाँ पर देखो तो कहीं पे मैंने यहाँ पे देखो डेटा फिल्टरिंग मैंने इनेबल कर रखा है, यहाँ पे मैंने स्पाइंग वाइल्ड फायर इनेबल कर रखा है, तो जो प्रोफाइल आप लगाओगे यहाँ पे दिखते जाएगा सारा का सारा। तो एक एक करके हम सारी चीजें करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो इसके बेसिस पे आपके पैकेट का कॉन्टेंट जो है पूरा इंस्पेक्ट हो जाएगा, और उस पे आपके जो एक्शन लगे होंगे वो आपको अप्लाई हो जाएंगे। अगर उसको डिस्कार्ड करना होगा, ब्लॉक करना होगा तो ब्लॉक करेगा, अगर उसको सिर्फ अलर्ट जनरेट करना होगा तो अलर्ट जनरेट करेगा, नहीं तो अगर नहीं लगा होगा तो सिंपली कंटेंट इंस्पेक्शन वो करेगा ही नहीं। आपका पैकेट सीधा बिना कंटेंट चेक किए प्रोसेस हो जाएगा, आपका L2, L3, L4, L7 चेक होगा बट कंटेंट चेक ही नहीं होगा, अगर हम पैकेट विल बी प्रोसेस। तो आपकी जो कहानी है आप इन चार डब्बों की तो समझ में आ गई आपकी, कि स्लो पाथ क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये कंटेंट इंस्पेक्शन इसके लिए स्पेशल एक एक मॉड्यूल है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये आपको, मुझे पता है कि आपको मैंने 10 चीजें बताई हैं तो आपको एक या दो चीजें समझ में आई होंगी, आपको 8 चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक एक मॉड्यूल है, एप्लीकेशन आईडी पे कॉन्टेंट आईडी, तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। इसके बारे में हम पूरा रिसर्च करेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे कि ये चलते कैसे हैं, हम कस्टम एप्लीकेशन बना के देखेंगे, एप्लीकेशन बनते कैसे हैं, कंटेंट कैसे एक एक चीज ब्लॉक करके हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ये थ्योरेटिकली बस जो चल रहा है इसके बाद सीधा प्रैक्टिकली स्टार्ट होगा और डेली प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन होगा, हर रोज टेस्टिंग होगी। शुरू में थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ना पड़ता है कि जब तक आप चीजों को सुनोगे नहीं, आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, आप उसको कोरिलेट नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा। मैं जाके सीधे बताने लगूं कि चलो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो शायद आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले। तो मैंने अगर 3-4 घंटे 5-6 घंटे आपको बहुत सारी चीजें बताई तो हो सकता है कि उसमें से आपको 30% चीजें आपको याद आ गई, दिमाग में रहेगी, और कुछ चीजें आप जब रिपीट करके उसको वीडियो देखोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाएंगी, फिर वो आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा के लिए एक तरह से एक मूवी की तरह बैठ जाएगा, नहीं ये ऐसे ही चलता है, तो एक आपके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, देन विल गो टू प्रैक्टिकल, तो करना ही करना हमें। तो फाइनली हमारा जो पैकेट है वो पहुंच जाता है इग्रेस स्टेज में। अब यहाँ पे आने के बाद पैकेट क्या करता है, अब यहाँ पे पैकेट जो है लैंड हो जाता है बाहर जाने के लिए फायरवॉल से, मतलब यहाँ से फायरवॉल अब बाहर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है तो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ भी कैच है, अगर नॉर्मल पैकेट अगर प्लेन टेक्स्ट है या उस पर कोई अगर फ्रेगमेंटेशन पहले हो रखा है, तो रिसेंबली हो रखा है, फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, तो फिर से अगर फ्रेगमेंटेशन की जरूरत है तो फ्रेगमेंटेशन करेगा उसको और सीधे प्लेन टेक्स्ट पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, अगर प्लेन टेक्स्ट है तो। लेकिन अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई पैकेट हमने लिया था, अगर वो IPsec का पैकेट था और उसको हमने डिक्रिप्ट कर दिया था, तो उसके साथ ना इंसाफी होगी कि बिना उसको हम इनक्रिप्ट किए बाहर भेज देंगे तो हमारा मतलब वो गलत बात होगा ना, फिर तो मतलब कोई भी उसको हैक कर लेगा। तो उस टाइप के पैकेट को फायरवॉल समझती है बड़े अच्छे से, उसके बाद पूरा एक डिजाइन है, हायरार्किकल इंजंस हैं अलग अलग चीजों को, और फिर उसको ये दोबारा से इनक्रिप्ट करेगी और इनक्रिप्ट करने के बाद फिर से यहाँ भेजेगी, फिर ये पैकेट यहाँ आएगा, फिर से दोबारा ट्रांसमिट होगा पूरा इनक्रिप्ट होके। तो ये पूरा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है एक पैकेट का, जो यहाँ से आपका निकलता है और यहाँ जाता है। अब आप लोग के लिए विंडो ओपन है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बताना था बता दिया। अब आप लोगों का टाइम है, देन विल क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट डे। पूछिए किसको क्या डाउट है, क्या समझ नहीं है बताइए। सर सेशन कितने टाइम के लिए फायरवॉल में सेव रहा, मतलब सेशन टेबल में रहता है? इसका जो टाइमिंग है यार, सेशन एक्चुअली इसका कुछ सेकेंड्स है, 3600 सेकेंड्स हैं, कितना एक बार देख लेते हैं, मैं भूल भी गया थोड़ा सा ना, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट नंबर, सेशन टाइम। और तो कोई दूसरा क्वेश्चन और
हेलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट पाथ से स्लो पाथ में जाता है जो सेशन में इसके बेसिक क्या दिखता है, किस क्या बेसिक क्या डिफेंड होने के बाद में ये स्लो पाथ में भेजता है, इसका डिस्ट्रक्शन आईपी या एप्लीकेशन या क्या डिफेंड होने के बाद? मैं आप एक सेकंड में बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ, बस इनका थोड़ा सा सेशन टाइम और 36 बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये 30 सेकंड्स होता है, देख रहे हैं आप डिफॉल्ट 36 100 मिली सेकंड, इसी में कंफ्यूज था कि मिली सेकंड और सेकंड होता है, तो ये 30 सेकंड बाय डिफॉल्ट होता है, अब इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है? ओके, मतलब 30 सेकंड्स में पहला अगर ये हुआ है, पैकेट आया हुआ है, मतलब फिल्टर, मतलब वो सब पॉलिसी चेक करके आउट हो गया, तो 30 सेकंड्स के बाद अगर पैकेट आता है तो फिर से वो स्लो पाथ में चला जाएगा, राइट? हाँ, फिर से स्लो पाथ में चला जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा वो। ओके ओके ठीक है। अब राज जी का क्वेश्चन जो है वो है कि पैकेट जब आता है फास्ट पाथ में वो क्या ऐसा देखता है कि वो स्लो पाथ में जाता है, राइट? एक क्वेश्चन राज जी, करेक्टली अंडरस्टैंड मैंने किया तो? जी। ओके, सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसका पहला डेफिनेशन ये है कि कोई भी न्यू पैकेट फायरवॉल में रिसीव होता है, मैं लिखता हूँ एनी, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन पे ग्रीन नहीं समझ में आ रहा, एनी new packets will always go slow path from fast, ठीक है, क्लियर? कोई भी नया पैकेट आएगा वो कुछ नहीं चेक करेगा, वो सिर्फ चेक करेगा क्या उसके लिए मेरे पास सेशन है, नया पैकेट होगा सेशन नहीं मिलेगा, राइट? तो वो आपका फास्ट से स्लो में ही जाएगा, ये वाला पहला न्यू पैकेट कैसे वेरीफाई करेगा, वो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी या एप्लीकेशन, किस हिसाब से वो न्यू आईपी वेरीफाई करेगा, सॉरी न्यू पैकेट जो वेरीफाई करता है बेसिकली क्या करेगा कि वो पैकेट का जो यहां से तीन चीजें इन्फॉर्म, ये तीन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया ना आपका L2 L3 L4, ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए एक्सट्रैक्ट करता है कि इसके बेसिस पे चेक करता है क्या मेरे पास इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए हमारे पास कोई सेशन है क्या, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि आपका लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके करने क्या पर्पस ही क्या है कि इसके बेसिस पे देखता है क्या मेरे पास क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चीजों के लिए जो हम आ रहे हैं देख रहे हैं, अगर वो मिलते हैं तो फिर ये ठीक है करेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे देखो अगर आपका कोई भी पैकेट आता है यहाँ पर भी आपका लेयर टू टू लेयर फोर ही प्रोसेसिंग होता है, ये बेसिक है, अगर इसके बाद ही आपका एप्लीकेशन चेक होगा, कंटेंट चेक होगा, लेकिन ये पहली कंडीशन है जो पैकेट के साथ मीट होनी चाहिए, अगर नहीं मीट होती है तो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप, क्लियर? तो एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन ये होता है कि कोई सेशन टाइम आउट हो गया तो फिर से उसको स्लो पाथ में भेजना पड़ेगा, यही दो कंडीशन हो सकते हैं, तीसरा कोई कंडीशन नहीं होते हैं, ठीक है? तो एक नया और एक आपका सेशन टाइम आउट हो जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर समझो फर्स्ट पैकेट आया है कि फेसबुक एक्सेस के लिए आया है, ओके, वो सेकंड में वो एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर रहा, मतलब पोर्ट अगर डिफरेंट है जो लेयर फॉर इंफॉर्मेशन, तो ऑल लेयर का इंफॉर्मेशन सेम होगा तो ही वो फास्ट पाथ पे जाएगा, कि समझो मेरा पोर्ट नंबर डिफरेंट है तो भी फास्ट पाथ पे जाएगा स्लो पाथ पे जाएगा? जो सेशन बनता है ना, जो फायरवॉल के लॉजिक, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है, पॉलिसी चेक होगा, लेकिन जो सेशन बनता है, जो सेशन टेबल बनता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो पहले तो L2 L4 की इंफॉर्मेशन चेक करेगा, ठीक है, और अगर उसको सेशन उस L2 L3 के बेसिस पे मिल जाता है कि भाई मतलब कि ठीक है इसको मेरे को FTP भेजना है या फेसबुक भेजना है, तो अगर उसको पूरी कंडीशन क्राइटेरिया उसको मैच हो जाती है सारा कुछ, तब तो भेज देगा, राइट? क्योंकि जब सेशन आपका बनता है, इंस्टॉल होता है ना, तो उसमें पूरी उस पैकेट की एक एक कंडीशंस मैच होती हैं, मतलब L2 से लेकर L7 तक की कंडीशंस मैच होती हैं, मैप होती हैं। तो अगर आपके दो पैकेट हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो उन दोनों का सेशन भी अलग अलग होगा, राइट? लेकिन जब इनिशियली जब पैकेट आपका फायरवॉल में आता है तो वो बेसिक चीजें चेक करने की कोशिश करता है क्या ये अवेलेबल है, तो अगर वो अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे सेशन आपका क्रिएट हो जाएगा, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो फिर वो आपका यहाँ पे पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी जब लुकअप यहाँ बनता है, तो इस पॉलिसी लुकअप में आप देखोगे तो बेसिकली आपके जो कंडीशंस हैं वो सारी इसमें मैच होती हैं,
इस पॉलिसी के अंदर ना ही सिर्फ आपका L2 एंड L4 मैच होता है, इसमें L7 भी मैच होता है आपका, आपका आपका कंटेंट भी मैप होता है। तो इसके बेसिस पे एक कंप्लीट सेशन बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है। देखो जैसे ये फायरवॉल है, तो मैं आपका शो सेशन ऑल करता हूँ। तो अभी मान के चलो कि इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मैं इस यूजर को, अरे यार यूजर क्यों बंद हो गया, देखता हूँ इसको, जस्ट आपको दिखाता हूँ कि सेशन बनते कैसे हैं। पिंग, जैसे मैंने इसको पिंग करके छोड़ दिया, पिंग ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पिंग नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको, आईपी कॉन्फिग गेटवे 9.10.1 रूल नहीं होगा आई थिंक, इसलिए पिंग नहीं हो रहा या नेट नहीं मैच हो रहा होगा। ये पीसी मेरे डाउन हो गई है क्या, एक सेकेंड सर्वर को देखता हूँ क्या कंडीशन है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेशन में दिखते कैसे हैं, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। आईपी कॉन्फिग कुछ तो गड़बड़ है इस फायरवॉल के अंदर, क्या गड़बड़ है, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट, इसको मैं मूव करता हूँ, नेट को एक बार देखता हूँ क्या है नेट, तो मैं आप लोग एक सेशन दिखाता हूँ, उसमें आप लोग देखोगे कैसे होता है सारी चीजें। तो इसको जस्ट मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सब सही तो है यहाँ से, इसने कुछ डिलीट तो नहीं किया है, वरना मैं ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो ये पीसी क्यों नहीं चालू हो रहा है, पिंग करता हूँ एक बार इस फायरवॉल से, पिंग होस्ट 1.1.1, यहाँ से रिचेबिलिटी है मेरे पास, इस फायरवॉल से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक बार पीसी स्टार्ट हो जाए, कमिट तो हो गया, तो एक बार और ट्राई करते हैं इससे, क्या बोलते हैं भाई साहब, हाँ हो गया, इस पर इंटरनेट है, ठीक है चालू हो गया। आई थिंक वो कुछ पॉलिसी का ही ऊपर नीचे हो गया था टेस्टिंग के समय। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे सेशन कैसे दिखते हैं। इस सेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जब सेशन बनता है ना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कंप्लीट लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7, नेट सब कुछ होता है। तो जब सेशन बनता है, तो जब आपका कोई पैकेट आता है राइट, तो उसको सारा कुछ चेक करता है। देखिए सेशन बन गया आप यहाँ पे देखो, तो इस सेशन आईडी के अगेंस्ट आपका एप्लीकेशन भी है, आपका कौन सा नेट हो रहा वो भी है, आप देखो यहाँ पे क्या आपका सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, किस एड्रेस पे ट्रांसलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ लेयर 2 या लेयर 3 या लेयर 4 ही होगा चेक। जब सेशन बन जाता है तो सेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट इनिशियली जब पैकेट फायरवॉल के पास आता है, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो लुकअप करने की कोशिश करता है सेशन को कि जो मेरे पास पैकेट आया है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उसके पास होती है, बट यहाँ पे L7 की इन्फॉर्मेशन भी ये फास्टपाथ में ऐसा नहीं है कि नहीं चेक करेगा, वो देखेगा कि वो पर्टिकुलर पैकेट के अंदर एप्लीकेशन भी है कि नहीं है। अगर
मान के चलो कि कोई अगर सोर्स डेस्टिनेशन सारे मैच कर गए, अगर आपके पास कोई रूल है जैसे एफटीपी का रूल है उसी सोर्स डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन आपको जाना है फेसबुक पे, सोर्स डेस्टिनेशन मैच हो गया, अब फेसबुक पे जाना है तो क्या वो प्रोसेस करेगा पैकेट को? तो आंसर इज नो, नहीं प्रोसेस करेगा वो बोलेगा कि नहीं आपका एप्लीकेशन मैच नहीं हो रहा, हो सकता है आपका एप्लीकेशन डिनाय है या मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो फास्ट पाथ में जाएगा। फास्ट पाथ में जाने के बाद अब यहाँ पे सॉरी फास्ट पाथ से स्लो पाथ में जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो बेसिकली उस पैकेट के लिए सारी चीजें जब ये बनाएगा ना, तो पूरी सेशन जब टेबल बनेगी तो आपके कुछ इस तरीके से देखेगी, सब कुछ इस पर देखेगा कि क्या आपका एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजिंग है, नेट बायोस है, पिंग है, डीएनएस है, और आपका सोर्स डेस्टिनेशन आईपी वगैरह सब देखेगा। जब तक ये सारी कंडीशन मैच नहीं होंगी तब तक ये फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये प्रोसेसिंग L2 टू L4 इसलिए करता है कि ताकि उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन एक्चुअल जब सेशन लुकअप होता है तो उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करता ही करता है। क्लैरिटी मिला थोड़ा बहुत? आगे हम देखेंगे इसको ट्रबल शूटिंग करके, आगे का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना एक एक पैकेट को मैं समझाऊंगा, इट्स पार्ट ऑफ आवर क्लास कि भाई ये नेट कैसे हो रहा है, ये कैसे, इसका एनएस का मतलब क्या होता है, एनडी का मतलब क्या होता है, एनबी का मतलब क्या होता है, ये फ्लैग्स होते हैं नेटवर्क के, तो फ्लैग्स का मतलब क्या होता है, एक्टिव डिस्कार्डेड का स्टेटस क्या मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा किसी का आज के लिए? ठीक है, तो आई थिंक आज हम इसको यहीं पे सेशन को क्लोज करते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? हेलो सर, वेडनेसडे को हाँ क्या बताइए नीलेश जी? ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली वीडियो कहाँ पे? हाँ मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल आप लोगों को शेयर ड्राइव एक्सेस मिल जाएगा, उसमें आप लोग नोट्स बुक्स एंड रिकॉर्डिंग सारा कुछ आप लोग दे दूंगा, और आप लोग को लैब एक्सेस आई थिंक मिल गया होगा, तो आप लोग अपना अपना लैब चेक करके एक बार बता देना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? तो लैब के अच्छे अगले क्लास से हम ना अगले क्लास में हमारा जो मैं बताता हूँ क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में बताऊंगा आपको कि ये जो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे सिंगल पास एंड पैरेलल सिंगल पास आर्किटेक्चर विद पैरेलल प्रोसेसिंग होता क्या है, और इसके साथ ही ना हम ये लैब भी करेंगे अगले क्लास में, तो दो टास्क हम करेंगे, एक तो थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे एंड हम इसको लैब करेंगे, डे जीरो वाली लैब करेंगे, ये वाली कि एक फायरवॉल ब्रांड न्यू फायरवॉल का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो ये जब ये सारी चीजें हो जाएंगे तब हम एक्चुअल इसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे उस अगले क्लास में, प्लस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अपग्रेडेशन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले हम सीधे L3 L2 वर्चुअल वायर टैप मोड सब इंटरफेस DHCP सिक्योरिटी जो इसके बारे में मतलब एक दिन में तो नहीं कवर होगा, मतलब इसके बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे करके, जितने दिन में कवर होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक है? और मैं आप लोगों को कराता हूँ कल आप सबको ना वो शेयर ड्राइव में सब कुछ अपलोड कराते हैं, ठीक है? थैंक यू गाइज, या थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ठीक है, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।